किस प्रकार माताओं ने राष्ट्र का निर्माण किया है, एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं आपके समक्ष रखते हुए चलूं। उस समय की बात है जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और उपनयन संस्कार गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का किया था। आपने सुना होगा स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम या नहीं सुना है? सुना है, बहुत अच्छी बात है, माताएं भी जानती हैं। निवेदन कर दूं, वेदारंभ संस्कार के उपरांत गुरुकुल के विद्यार्थियों को विनम्र बनाने के लिए वहां पर बैठे हुए लोगों से झोली फैलवा करके बच्चों से बोलो भिक्षा मंगवाई जाती है। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनः, जो विद्या को ग्रहण करते हैं वो शालीन होते हैं, विनय उनके अंदर होती है। और बोलो जो एजुकेशन को ग्रहण करते हैं उनके अंदर अहंकार और घमंड दिखाई देता है, चेहरे पर उनकी भाषा में भी घमंड होता है, उनकी चाल ढाल वेशभूषा में भी घमंड दिखाई देता है। और शालीनता आपको चेहरे पर दिखाई देती है उनके, जिन्होंने बोलो विद्या को ग्रहण किया हो। इसी प्रवृत्ति को सिखाते हैं गुरुकुल में। तो बहुत सभी बच्चे झोली फैला करके इस प्रकार से आए हुए लोगों के समक्ष कुछ धन मांग रहे थे। एक छोटा सा बालक जो उस समय उन विद्यार्थियों के रूप में था, जब वो वापस लौट करके आया तो उस बालक की झोली में सबसे अधिक पैसे उस समय के 1900 रुपए थे। उस समय के स्वामी जी ने जब झोली को देखा तो पूछा, इतना धन तुमको किसने दिया है? सबसे पीछे बैठी हुई मैले कुचैले से पुराने से वस्त्रों में, मैले का मतलब गंदे नहीं थे, पुराने से वस्त्रों में बैठी हुई स्त्री की तरफ इशारा करके उस बालक ने कहा, जो माता जी बैठी है उन्होंने दिए हैं। स्वामी जी बालक का हाथ पकड़ करके ले गए। जरा घटना को पूरी ध्यान से सुनना, लालची नहीं थे स्वामी श्रद्धानंद जी, 1900 रुपए देख करके खुश नहीं हुए, वो जानना चाहते थे कि इतना धन क्यों दिया, कैसे दिया, किस परिस्थिति में दिया। केवल मेरे पास धन आ गया इतने में ही संतुष्टि नहीं हुई। हाथ पकड़ करके बालक का पहुंच गए और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, देवी जी माफ करना, आपने इस बालक को इतना धन कैसे दिया, क्यों दिया? तो बहनों शालीनता के साथ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहती है, स्वामी जी मेरा नाम है लक्ष्मी और मैं पंडित लेखराम जी की धर्म पत्नी हूं, और ये जो धन मेरे पास है ये पंडित लेखराम जी ने वेद प्रचार प्रसार के माध्यम से जो सभा उनको देती थी, ये वैदिक प्रचार प्रसार के पुरुषार्थ की कमाई है। और पंडित जी चाहते थे ये धन किसी उत्तम कार्य में लगे। आहा, इसको कहते हैं त्याग। पर समर्पण तो देखिए साहब, स्वामी जी हाथ जोड़ करके बोले, देवी हम इस धन को नहीं लेंगे। पंडित लेखराम जी अब दुनिया में नहीं है, आपके संरक्षण के लिए कोई पुत्र भी आपके पास नहीं है, ये धन ही केवल आपके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, इसे अपने पास आप रखो और बोलो अपना जो जीवन शेष बचा है उसको यापन करो। लक्ष्मी जी कहती है, स्वामी जी मेरे लिए भी पंडित लेखराम जी ने व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, मैं
पंडित लेखराम जी के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। वो चाहते थे धन किसी उत्तम कार्य में लगे और मैंने विचार किया कि भोजन खिलाएंगे किसी की तो एक समय का लाभ होगा, वस्त्र देंगे तो कम से कम कुछ महीनों का लाभ होगा, किसी को घर देंगे तो कुछ वर्षों का लाभ मिलेगा, पर यदि किसी को विद्या दे दे तो बोलो एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का सुधार होगा और साथ साथ बोलो राष्ट्र और धर्म की भी रक्षा होगी। इसलिए मैंने इस बेटे की विद्या में इस धन को दिया। अरे स्वामी जी ने 1900 रुपए को छात्रवृत्ति के तहत उस बेटे की विद्या में लगाया और वो बालक फिर बड़ा होकर के बना बुद्ध देव अलंकार और जब तक उसके बाद में बने स्वामी समर्पणानंद जी। ताली बजा रहे तो खुल करके बजाओ ना। और जब तक स्वामी जी वैदिक मंच से बैठ करके प्रवचन करते थे, बोलो सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को अपने प्रवचनों में याद किया करते थे। ये था मेरी माताओं का कर्तव्य और ये था बोलो मेरे देश में दान देने की प्रवृत्ति का महत्व। अगर इस तरह का हमारा जीवन होगा तो निश्चित रूप से फिर पाखंडियों के पास हमारा धन नहीं जाएगा। बस कुछ पंक्तियां कह करके फिर मैं वाणी को विराम देते हुए चलूं और एक प्रार्थना कर ली गई है परमपिता प्रभु से। और क्या कहा, भगवान मेरे इस भारत की सब विदुषी नारी बन जाए, भगवान सब धर्म के प्रति ध्यान रहे, सब जनक दुलारी बन जाए। भारत की सब विदुषी नारी बन जाए, खुशी होगी नारी तो बोलो फिर पाखंडी आकर के बहका नहीं पाएंगे। इसीलिए लिखा है क्या, पति पत्नी दोनों मिलकर के संतान कनित निर्माण करे, हो पति पत्नी बुरा लगे बोलो तुड़वाया है इन पाखंडियों ने। क्यों, तेरी देवरानी ने करवा दिया, तेरी जेठानी ने करवा दिया, हरियाणा के अंदर घटना घट गई, बोले परिवार के ही बेटे को काट करके बलि चढ़ा दिया सिद्धि प्राप्त करने के लिए।
क्या परिवार में इतना भी विश्वास नहीं रहा कि अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ करके चले जाएं? इसीलिए लिखा है क्या, झगड़े ना देवरानी जेठानी में निज सास ससुर की सेवा हो, निज पति का आदर मान करे ये धर्म तुलारी बन जाए, नित पति का आदर मान करे ये धर्म तुलारी बन जाए। विदुषी नारी बन जाए, निज ओ निज धर्म के प्रति ज्ञान रहे सब राज तुलारी बन जाए, वो सब जनक दुलारी बन जाए, सब जनक दुलारी बन जाए।